नमस्कार, जय श्री राम, हर 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 महादेव। कैसे सभी लोग? बढ़िया है। आज नवरात्रि समापन की ओर, साथ ही विजयदशमी आपके कुछ ही घड़ियां, घंटे, पल रह गए हैं। जो विजयदशमी आप लोगों के क्षेत्र में, नगर में, गांव, ग्राम, देहात में अपने अपने तरीके से मनाया जाता है, लेकिन हो सकता है हमारे कुछ जो बुजुर्ग पुराने हों उनको ये चीज़ मालूम हो और वो अपने बच्चों को अभी तक ना बताए हों। विडंबना यही है, जानते तो बहुत कुछ हैं लेकिन हम अपने बच्चों को अपने संस्कार, अपने आचार, अपने विचार, अपने त्यौहार, अपने धर्म के बारे में तनिक भी चर्चा नहीं करते हैं। और बच्चे भी कभी यह कोशिश नहीं की कि लाओ अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, गार्जियन, इनके साथ एक दो घंटे बैठें, 10-15 मिनट बैठें और कुछ जानकारी लें। हट गया ये सब, बिल्कुल हट गया। पहले ज्वाइंट फैमिली रहती थी, शाम को जो बच्चे होते थे अपने दादा दादी के पास पलते थे, तो वो संस्कार युक्त होते थे। अब औरतें आई, 2 महीने बाद तुम्हारे पापा के साथ नहीं रहना, मम्मी तुम्हारी बहुत लड़ाई करती है, तुम्हारा छोटा भाई मुझे बुरी नज़र से देखता है, ये ननद बहुत खतरनाक है, ऐसे से बोलती है, यानी नाना प्रकार का प्रपंच करके तुम्हें घर से दूर कर देगी। फिर एक कमरे की लाइफ होती है, उसी में तुम रहो, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे भी देखें माँ बाप को, वो किस संस्कार में, किस व्यवस्था में हैं, तो बच्चे कहाँ से संस्कारयुक्त होंगे। ये संस्कार नहीं है कि बच्चा आपके साथ पला, हाय हेलो यार, ये कल्चर नहीं, ये बहुत फुहड़तापन है। तो मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनो, काम की चीज है, अन्यथा परेशान रहोगे, डॉक्टर के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी कहाँ, ऐसे दौड़ते रहोगे। बहुत एडवांस हो चुके हैं ना, जितना एडवांस हो चुके हैं उतने बर्बाद हो रहे, उतनी परेशान हो रहे, इतनी बीमारियां फैल रही हैं। विजयदशमी को आपको ये 3 काम नहीं करना, नहीं तो पूरे वर्ष आप परेशान रहेंगे। ध्यान रखिए, पूरे वर्ष आप परेशान रहेंगे। नंबर 1, काला उड़द, काले उड़द की दाल हो गई या दही बल्ले हो गए, उड़द की बनी हुई कोई चीज खाना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। विशेषकर काले उड़द की बनी हुई कोई चीज यूज नहीं करना है। अगर आप कर लिए तो पूरे वर्ष मस्तिष्क में, यानी जो मस्तिष्क का मिजाज हो जाता है वो गर्म हो जाता है, बेवजह क्रोध रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, जरा जरा बात पे आप लड़ बैठेंगे, ठीक है, माइंड आपका जब कहने में नहीं रहेगा, क्रोधित रहेगा, दुर्घटना भी हो सकती है, तो उड़द नहीं खाना है। दूसरा काम क्या नहीं करना है, ध्यान रखिए, दूसरा काम आपको क्या नहीं करना है, दूसरा काम आपको यह करना है कि किसी आपके घर में कोई जानवर हो, जैसे कुत्ता, डॉग पालते हैं, बिल्ली, कबूतर, खरगोश, गाय, भैंस, या एनी टाइप्स बर्ड एंड एनिमल, कोई भी चीज हो, उनको आप किसी प्रकार से दुत्कारेंगे नहीं, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि विजयदशमी के दिन आपको उनकी ज्यादा सेवा करनी है। सेवा करेंगे तो मेवा पाएंगे। अगर उनको दुत्कारे या उनको मारे या आप दुर्व्यवहार किए तो आपका भाग्य कमजोर हो जाएगा। जो आपके कार्य बनने वाले होंगे, जो आपको सफलता मिलने वाली होगी, वहीं पर वो ब्रेक लग जाएगी। अगर विश्वास नहीं है, आपके पास पैसे हैं, आप सोच रहे हैं मैं पैसे से ये काम कर लूंगा, तो आप ये छोटी सी चीज करके देखिए। आपके घर में किसी प्रकार का एनिमल हो उसको आप कष्ट देकर देखिए, फिर बताना। तीसरी चीज,
आपको क्या नहीं करना है कि कल के दिन काले कपड़े का यूज बहन बेटियां बिल्कुल नहीं करेंगी, वो चाहे कॉम्बिनेशन हो या कुछ भी हो। आपके कपड़े में कल काले रंग का कोई कपड़ा पहनना ही नहीं है, विशेषकर हमारी माताएं बहनें। अगर आप इसे पहनती हैं तो अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी से आचार विचार कम मेल खाएंगे, पति से आपके आचार विचार कम मेल खाएंगे। साथ ही अगर आपके बच्चे हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ, ज्वार यानी बुखार, ये वर्ष भर हर महीने कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तीसरी बात, आपको हॉस्पिटल में चाहे 24 घंटे के ही लिए आप एडमिट जरूर होंगे। अगर नहीं विश्वास है तो एक बार कल पहनिए और फिर बताना कि गुरुजी आपने जो बताया वो बिल्कुल सत्य है। अगर बहन बेटियां हमारी कल हल्की सी नारंगी और केशरिया कपड़ा अगर नहीं इनके पास, तो छोटा सा टुकड़ा लेकर सारा दिन अपने पास रखती हैं और केशर मिले हुए पानी से नहाती हैं, तो सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन का आगमन होता है, रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और सदा मंगल ही होता है। ये विजयदशमी के 3 उपाय, जो नहीं करना है और जो करना है, ये सत्य हैं, प्रमाणिक हैं। जो लोग असत्य मानते हैं, जो हमारे धर्म को, हमारे कर्म को, हमारे आचार को, हमारे विचार को, हमारे शास्त्र को, हमारे तंत्र को, हमारे मंत्र को, हमारे टोटकों को असत्य मानते हैं, वो चाहे किसी धर्म के हों, तो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आजमाइए ना, आजमाइए और फिर बताइए क्या होता है ये छोटा सा चीज। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, वंदे मातरम लिखें, भारत माता की जय लिखें, धर्म की जय लिखें। और आज ये जब वीडियो पढ़ चुकी होगी तो मैं बता दूं, आज और कल यानी विजयदशमी को हमारा ऑफिस बंद रहेगा, समस्त काल सेवाएं बंद रहेंगी और आज 5 बजे तक हमारी कॉल आप सभी लोगों के श्री चरणों में समर्पित रहेंगी। जिस लायक हैं हम लोग आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे, तो एंजॉय करिए। जय माता गोली। अपने घर में दीपक विजयदशमी को जरूर जलाना है, दीपक 5 बत्ती का जरूर जलाना है और घर में कुछ मीठा लेके आइएगा और एक दूसरे को मुंह मीठा करा के इसी के साथ दीजिए अपने सेवक को। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।